मेरे ऊपर था पीटा वाला, लड़ते थे झगड़ते थे, बट आई यूज़ टू रिस्पेक्ट। मैं बोल देता था बॉस ये करना है नहीं करना है, तुम जानो मैंने बोल दिया। डोंट कम बैक टुमारो एंड टेल मी कि निमिष तुमने बताया नहीं था, ही कैन नॉट कम बैक टू यू। आ सकते हैं सुशील हो तुम्हारे पास, ये बोल दो कि सुशील तुमको पता था स्टील ऐसा बैंड नहीं होगा या जाएगा नहीं, कंजेशन है। अगर तुमने बोल दिया और बोलेगा नहीं गुस्सा हो, तुम गुस्सा हो ना। और फिर भी अगर तुमको लग रहा है इफ यू आर सो स्ट्रॉन्ग, उनको बोलो मैं निमिष भाई के पास जा रहा हूँ, उनको बोलो मैं अर्थेश भाई के पास जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये फिर भी गलत है। इन्फॉर्मिंग योर सीनियर, गो टू अ हायर अप एंड ही शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम। उसका भी लिमिटेशन हो सकता है थॉट प्रोसेस का जो तुम कर रहे हो, जो तुम देख रहे हो शायद सीनियर नहीं देख पा रहा है। डॉक्टर से अच्छा कंपाउंडर नर्स पकड़ते हैं। काम उसका ही स्प्रिट लगा के हैव दैट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड, यू विल वर्क सो नाइसली इफ यू सम अप ऑल दिस नाउ। व्हाट डू वी नीड टू हैव, worker, what do you actually mean? Finally, रोज लड़ाई झगड़ा करके मजा आएगा? In fact, if this is followed properly now, there will be a lot of respect and harmony within the staff. If there's a more peaceful environment, there's more harmony within the staff. It will help everybody to work better. Correct? It will, everybody would scale up. You'll be able to work at best of your ability. Your ego doesn't allow you to work at your best of your ability. Your attitude, wrong attitude, doesn't allow you to work at best of your ability. But if you have that in place, if you respect and work, like I said that way, I would say for you people, तुम्हारे नीचे सुशील है, सुशील के नीचे और कोई है, इफ यू डू नॉट रिस्पेक्ट देम लाइक द वे यू सेड कि उनको आपको रिस्पेक्ट करना है, आपको भी उसको करना है। अगर वो नहीं होगा तो उसका काम कौन करेगा? और अगर उसका काम आपको करना है तो आपका काम कौन करेगा? मतलब यू डाउनग्रेडेड योरसेल्फ टू हिज लेवल, सो यू हैव टू थैंक एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर डूइंग हिज वर्क एफिशियंटली, सो दैट तुम ये कुर्सी पे शांति से बैठ के तुम अपना सोच पा रहे हो। दैट इज वॉट आई ऑलवेज कम हियर एंड फाइट फॉर, कि अगर मेरे को तुम्हारा काम करना है तो मैं तुमको पगार क्यों दू, मैं खुद आगे बैठू ना इधर, मेरा तो बचेगा ना। तुमने वो क्यों रखा है कि मैं कुछ बेटर विजन कर सकू, आई कैन सी अ बिगर पिक्चर, आई कैन एक्सपैंड, so I need to respect you same way you need to respect them, they need to respect the subcontractors and contractors, कि वो ठीक से काम करेगा तो तुम्हारा जिंदगी आसान होगा। बट अगर उसके में झगड़ा करोगे, अगर उसको एटीट्यूड दिखाओगे जैसे यू आर द मेन फेस ऑफ द कंपनी, उधर लेबर है, इफ यू गो टू द माइनर टेस्ट, अगर तुम्हारी बजानी है ना तो लेबर ऐसे बजाएगा जो तुमको भी नहीं पता, क्यों? क्योंकि वो दिन रात काम करता है, उसको पता है इधर क्या करूंगा तो तुम्हारी बजेगी। तुमने अपने हाथ से काम नहीं किया तो तुमको पता भी नहीं चलेगा आधा चीज। सो रिस्पेक्ट देम, वर्क इन अ हार्मनी, मच बेटर एनवायरमेंट विल हैव। सो व्हाट आर द थ्री बिग टेक अवेज आज का ये वर्कशॉप में,
Can anybody tell me? What are the takeaways from today? What have you actually learned? Three major issues. To keep a positive attitude. Positive. Teamwork. Attitude. Teamwork. And I would say, respect co-workers. Is it correct? As a teamwork, only if you respect the co-workers, only then there will be a team, otherwise there will be no team. So, have a positive attitude and respect for co-workers. What are the other tips? Two takeaways. Brilliant. And no negative ego. I'm very active. What are you doing in my reduction? What are the priorities? Priorities in the now gather is priorities in the activities I need to do. In a word, I would say daily planning. Daily planning. Which alternatively means come with positive. Have positive attitude and respect for the board to daily plan. Are we agreeing? Is this all okay? Good enough? Are we promised everybody that we start working in harmony from tomorrow? Let's clean the slate. What has happened till 1 minute before? Let's give an honest try to work in harmony and work in peace and give respect to each other. Do we agree to it? Raise your hand if you agree. Who doesn't agree? You? So, how much work can they? Ashok, come again. Thank you very much. Thank you.